दोस्तों ये आप देख सकते हैं जो स्पेयर पार्ट का नाम है रोलर किट या का यूज करने का। तो हाय दोस्तों, ऑटो रिक्शा ज्ञान में आपका सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है और आप वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप जरूर देखना है। ये जो स्पेयर पार्ट है कहाँ लगाने का और कब बदलने का है, इसके लिए आज का वीडियो। तो दोस्तों पहले आपको सबसे पहले मेरे चैनल का नाम है ऑटो रिक्शा ज्ञान, फिर उसी के बाद मैं आपको और एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। बहुत से ऑटो ड्राइवर है नए हुए पुराने, आपके पास टू स्ट्रोक गाड़ी हो तो उसके लिए ये जो चीज़ है वो का फिट होती है, इसके बारे में आज का वीडियो। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ज़रूरी है या फिर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ अनिल बागुल, ऑटो रिक्शा ज्ञान। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं ये पैकिंग है और उसके बाद ये स्पेयर पार्ट जिसका नाम है रोलर किट, ये कहाँ फिट होता है। तो पहले आप देख सकते हैं ये ऑटो रिक्शा के नीचे वाली बाजू में जहाँ आप गियर चेंज करते हैं और आपका गियर स्लिप मार जाता है या फिर ख़राब होता है या फिर गियर जो शिफ्ट होने का जो एक अलग ही काम होता है उसे हम चेंजर किट भी कह सकते हैं। दोस्तों बहुत से ड्राइवर या ऑटो रिक्शा या फिर फिटर उसको अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इसका काम क्या है, ये क्यों बदलना है, इसके बारे में आज का वीडियो। तो पहले आप ये जान लीजिए, आपके पास 10 नंबर का फिक्स पाना हो या चपटी पाना या गोटी हो या फिर गुटकी भी बोलते हैं या चार मुँह का पाना, इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों ये ओरिजिनल किट है, उस पर बजाज कंपनी का नाम है और ये स्प्रिंग, ये रोलर और उसके अंदर एक स्क्रू रहता है। फिलहाल आप दोस्तों ये देख सकते हैं ये खोलने के जो तरीका है बहुत ही आसान है, खाली आपको पता होना चाहिए उसे खोलते कैसे और ये बदलने का कब है। बहुत से ऑटो ड्राइवर गाड़ी चलाते समय आपकी जो फर्स्ट गियर से लेकर सेकंड गियर, जो सेकंड से थर्ड गियर, थर्ड गियर से चौथा गियर, यानी ये जो गियर डालने की प्रक्रिया होती है ये जो चेंजर किट ही होता है जिसके कारण गियर आपके बहुत ही आसान तरीके से शिफ्ट होते हैं। बहुत से ऑटो ड्राइवर ये गियर चेंज ना होने का कारण या गियर स्लिप मारता है, ये चेंज करना पड़ता है उसी के कारण। दोस्तों आप मिस्त्री के पास जाओ या आपके दो गैरेज वाला दोस्त है, फिलहाल तो ये मेरा दोस्त इमरान और मैं अनिल बागुल ऑटो रिक्शा ज्ञान में आपके लिए ऐसे कुछ अलग वीडियो लाते हैं। भले दिखने में आसान हो या फिर आपको लगता है ये क्या भला है, ये कैसा काम करता है, कैसे वर्क करता है, उसी के बारे में आज का वीडियो है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं इसको खोलने के लिए आपको ये नट खोल लेना है, उसके बाद ऊपर जो एक क्वार्टर पिन है वो भी खोल लेनी है। फिलहाल तो हम ये खोलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत अंदर है और उस गाड़ी को उठा के रखना पड़ता है उसको, क्योंकि गाड़ी नीचे झुक के काम नहीं हो सकता, इसलिए वो गाड़ी को टेढ़ी करना पड़ता है और उसके नीचे कोई जैक या ऐसे कुछ बड़ी चीज़ लगा देनी चाहिए जिससे गाड़ी गिर ना जाए, अपने को कुछ ना हो, इसलिए वो काम करते समय ये ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल अब ये खुल चुका है और क्वार्टर पिन निकालने के बाद गियर का जो भी है वो काम देख सकते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल होता है और एक पैकिंग होती है, वो भी इसको हल्के हाथ से निकाल लेना है क्योंकि वो टूट ना जाए और ख़राब ना, ऑयल दिख सकते हैं दोस्तों। तो ये काम करते करते यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं ऑटो रिक्शा ज्ञान में बहुत से आपको वीडियो मिलेंगे। मेरे साथ में बहुत से टू स्ट्रोक से लेकर फोर स्ट्रोक के छोटे मोटे काम और गाड़ी की जानकारी और गाड़ी करते समय क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिलहाल अभी माइनस स्क्रू ड्राइवर से अंदर का एक ही नट है उसे माइनस स्क्रू ड्राइवर से खोल लेना है क्योंकि गाड़ी तो बहुत पुरानी और ये गाड़ी फिलहाल अभी ज़्यादा दिन चलने वाली, इसका जो गाड़ी स्क्रैप होने पे आ चुकी है। फिर भी दोस्तों गाड़ी चलाते लोग अपने को काम करने से मतलब है, बाकी उससे कोई लेना देना नहीं है, खाली बताने का काम है। पुरानी गाड़ी इसलिए उसको चेंजर किट उसका थोड़ा अलग ही है और खोलते समय उसका स्क्रू निकाल के एक जगह रख सकते हैं, ये मिलता नहीं। और दूसरा है उसका जो स्प्रिंग है उसका जो प्रेशर है वो ख़त्म हो चुका है, यानी उसका जो टेंशन ख़त्म हो चुका है, इसलिए अभी नया स्प्रिंग और रोलर बिठा देने का। ये कहाँ बिठाते और कैसे बिठाते ये भी आपको वीडियो में धीरे धीरे आप देख सकते हैं क्योंकि जल्दबाजी का काम अच्छे नहीं होता है और कुछ उल्टा सुधा हो सकता है। तो दोस्तों फिलहाल अभी उसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है और आपका जो गियर का चेंजर किट है उसे अच्छी तरह साफ़ करने के बाद उसकी पैकिंग, स्प्रिंग और रोलर ऐसे तीनों एक साथ बिठाना है। तो उसके पहले आपको एक बार देख लेना है उसे कैसे बिठाना है कैसे नहीं, फिर आगे जाके आपको नेक्स्ट लेवल में आपके अगले और वीडियो मिलने के लिए जो मुझे सब्सक्राइब जरूरी है मित्र दोस्तों, और आपको फॉलो भी करना है जिससे आपको अलग अलग वीडियो मिलते रहेंगे अपडेट। और आपको चाहिए जिस भी गाड़ी का प्रॉब्लम हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो और मेरा ऑटो रिक्शा ज्ञान में आपको यही सारे वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों गर्मी का मौसम है, गर्मी के दिन में बहुत सारे गाड़ियों को तकलीफ होती है,
उसके रिलेट्स मैंने बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं गाड़ी को क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी, उसमें से कोई भी एक वीडियो आपके लिए काम में ज़रूर आ सकता है। फिलहाल दोस्तों अभी इसका काम तो हो रहा है और वीडियो तो बनते रहेंगे और मैं आपको दिखाते रहूँगा, और वीडियो के अपडेट मिलने के लिए आपको ज़रूर एक स्टेप बाय स्टेप ज़रूर वीडियो देखना, क्योंकि बहुत से ऑटो ड्राइवर वीडियो आधा अधूरा देखते और छोड़ देते, तो दोस्तों ऐसा ना करें। पूरी तरह वीडियो देखने के बाद ही आपको कुछ चीज़ें मालूम होंगी कि ये कब बिठाना है, कैसे खोलने के बाद उसकी फिटिंग होती है। फिलहाल अभी उसको फिट करने के बाद अभी खाली स्क्रू फिट होने के, इसलिए माइनस स्क्रू चाबी से यूज़ करना है, और जो स्प्रिंग है नई वाली वो हाथों से टेढ़ी करके एक हाथ से पकड़ने के बाद उसको झुका के उसको अंदर फिट करना है, जिससे जो चेंजर किट है अच्छे तरह से वर्क करे और अपने गियर है जो अच्छे तरह से काम करे, गाड़ी चलाते समय कोई दिक्कत ना आए, इसलिए वीडियो बना लेता हूँ और आपको समझाने के लिए पूरी बात बतानी पड़ती। बहुत से लोग आधे अधूरे काम करते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। दोस्तों गाड़ी के अंदर ऑयल, ग्रीसिंग, ये मेंटेनेंस महीना, दो महीना, डेढ़ महीना, जैसे आपकी गाड़ी चलती है उसी तरह ये भी चीज़ बदल लेनी चाहिए। वक्त के साथ साथ गाड़ी में बहुत से प्रॉब्लम आते जाते हैं, गाड़ी पुरानी होती जाती है, वैसे वैसे काम बढ़ते जाता है, पर काम कब करना है ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि पैसा भी लगता है और ख़र्चा भी आता है। तो दोस्तों फिलहाल फिटिंग हो चुकी है, ये जो गियर शाफ्ट है उसको बाहर कैसे निकाल तो ये ध्यान में रखो दोस्तों, पहले पैकिंग बिठा लेने दीजिए क्योंकि ऑयल लीकेज ना हो, और दूसरा है उसको एक तरफ से व्हील घुमा के जो शाफ्ट है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, जिससे आप व्हील घुमाते समय आप देख सकते हैं। दोस्तों फिलहाल अभी पोंछ लेने के बाद उसको सही ढंग से ये शाफ्ट ऐसा व्हील घुमाने बाहर आ जाता है, फिर उसके बाद आपको दोबारा से चेंजर का जो कवर है उसके अच्छे तरह से फिट कर लेना है, कवर बहुत साफ़ सुथरा और पोंछ लेने के बाद ये फिटिंग करना दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर कचरा ना जाए। ये मामूली दिखने से लगता है पर वैसा है नहीं, ये गेयर बॉक्स के अंदर से गेयर चेंज करने के वक्त ये इसका चेंजर किट यूज़ होता है। दोस्तों वीडियो तो आपको पूरी तरह समझ में आ चुका है, उसकी फिटिंग कैसी करनी है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अभी फिलर, क्वार्टर पिन और उसका एक स्क्रू उसमें फिट कर देना, जिससे ये वर्क करने के लिए, काम करने के लिए फटाफट हो। अभी 10 नंबर के दो नट लगाने के बाद उसको अच्छी तरह से चपटी पाना, गुटकी पाना है, या फिर चार मुखा पाना, 10 का है उससे अच्छी तरह से फिट करना है, जिसके कारण अंदर जो ऑयल है वो बाहर ना आ सके, इसलिए उसको अच्छी तरह से पैक करने के बाद फिर उसकी फिटिंग पूरी तरह हो जाएगी। और दोस्तों ऑटो रिक्शा ज्ञान में आपको टू स्ट्रोक से लेकर फोर स्ट्रोक के और एक अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे, उसके लिए फॉलो भी करना है दोस्तों मुझे फॉलो करने के लिए आपको यूट्यूब या गूगल पे जाने के सर्च बार इंजन में जाने के बाद वहाँ ऑटो रिक्शा ज्ञान या फिर अनिल बागुल ये सर्च करना है, उसके बाद मेरे वीडियो लिंक ओपन हो जाएंगे, उसके बाद आपको मेरे वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक या फिर आपको बेल आइकन दबा देना है, जिससे आपको मेरे आने वाले नई वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलो दोस्तों ऑटो रिक्शा में आपका सभी का स्वागत है, मिलते हैं।